तीन बेटे और लकड़ियों का गट्ठर। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने तीन बेटों के साथ रहता था। उसके तीनों बेटे बहुत ही मेहनती थे, फिर भी उनकी आपस में बनती नहीं थी और वे हर समय एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एकजुट करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कुछ महीने बीत गए और बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों से एकजुट रहने के लिए कहा, परंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। तब उसने उन्हें व्यावहारिक सीख देने का फैसला किया ताकि वे एकता के साथ रहें। एक दिन बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों को बुलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दूंगा, उसे खोलकर प्रत्येक लकड़ी को अलग अलग कर लेना और तुम्हें हर लकड़ी के दो दो टुकड़े करने होंगे। जो भी लकड़ियों को पहले तोड़ लेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी ने बात मान ली। बूढ़े व्यक्ति ने सभी बेटों को 10-10 लकड़ियों का एक एक गट्ठर दिया और तोड़ने के लिए कहा। सभी ने कुछ ही मिनटों में लकड़ियों को तोड़ दिया और फिर से आपस में इस बात पर झगड़ा करने लगे कि इस खेल में कौन प्रथम आया है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, प्यारे बच्चों, ये खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब मैं तुम्हें लकड़ियों का एक और गट्ठर दूंगा। इस बार तुम्हें गट्ठर की सभी लकड़ियों को एक साथ तोड़ना होगा। सभी ने बात मान ली और लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने का प्रयास करने लगे। उन्होंने गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे उसे नहीं तोड़ सके। फिर बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, देखो ये वही लकड़ियां हैं, तुमने अलग अलग आसानी से इन्हें तोड़ दिया था लेकिन इसके गट्ठर को नहीं तोड़ सके। इससे यही सीख मिलती है कि यदि तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, तुम्हें एकता के साथ रहना चाहिए। अब तीनों बेटों को एकता की शक्ति समझ में आ गई और उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वे हर मुश्किल में साथ रहेंगे। कहानी का संदेश है, एकता में बल है।